ये मायावती की चिट्ठी है, ये देख लो आप, यदि इसको दिखा सकते हो, ये उसके नाम की चिट्ठी लगा करके उसको भेज रहा हूँ मिलने के लिए, कह रहा हूँ दो लाइन लिखिए, जो मेरी बगल में सालों साल तक बैठती थी वो मेरे को जय भगवान जाटव को भूल जाएगी, जब मायावती घर में बैठी है, बाहर निकल भाई बाहर निकल मायावती, क्या तेरे में हो गया है, बाहर निकल, शेरनी होके गिदड़ी बन के बैठ गई, लानत है ऐसी बात को यदि गिदड़ी बन के बैठेगी, शेरनी है शेरनी की तरह से बाहर हुकार भर करके आ, तो मैं इनको दोनों को बैठा करके, चाहे जो हो मायावती को भी कितना कहना हो समझाना हो मैं करूँगा, चंद्रशेखर को भी जितना कहना समझाना करूँगा, और इन दोनों को मिला दूंगा। भी सबको मालूम है, जिनको पता है उन्हें पता है कि वो चंद्रशेखर भी मेरा तैयार किया हुआ है, चंद्रशेखर को मैं बढ़ा के लाया कई जगह, अब ये वीडियो वीडियो लोगों ने डाल दी है, ये सबको मालूम है, जिन लोगों को पता है कि चंद्रशेखर को मैं कितना मदद करके किस तरह से मैं ला करके उसको फील्ड में उतारा है, ये सबको मालूम है। मेरा उनका जो थोड़ा जो मन मुटाव है इस बात पर था, मैं ये चाहता था अभी तीन साल रुक जाए पार्टी, उसके बाद बनाना, लोग पार्टी के लिए कहेंगे तब पार्टी बनाएंगे, अभी आप अपनी तरफ से पार्टी ना बनाओ, लेकिन वो कुछ लोगों के बीच में फंस कर उन्होंने पार्टी बनाई, इस वजह से मेरा मन मुटाव हुआ, नहीं तो मेरा मन मुटाव तो अभी भी नहीं है, मैं बुलाता हूँ फोन करता हूँ बात होती है, लेकिन मैं उसके खिलाफ था, मैं ये चाहता था कि आरएसएस को जवाब देने वाले हमारे नौजवान सड़कों पर आएंगे, तीन साल में हम इतनी स्थिति पैदा कर लेते पूरे देश में कि आरएसएस को हम ये बता देते, घर में घुसा देते, जो जहाँ था बाहर नहीं निकलता, वो हालत हमने बना देनी थी, लेकिन चंद्रशेखर ने मानी नहीं बात, चंद्रशेखर ने उसको बना दिया। अब जब यदि दोनों को बात करें मिलें तो मैं इनकी बात करा सकता हूँ, मिलाने के लिए भी मैं एफर्ट्स कर सकता हूँ, मैं मायावती को भी कह सकता हूँ, लेकिन मायावती बाहर निकलने को तैयार हो, बीजेपी तो यही चाहती है कि मायावती भी ऐसे ही बैठे रहे, चंद्रशेखर अपनी दलितों की वोट काट ले, नौजवानों की वोट काट ले और तुम्हारे कैंडिडेट जीत जाए, ये हमारे लिए बहुत बुरा समय है। हमने अभी जो मैंने कहा, अभी हम इतनी जल्दी में कुछ नहीं कर सकते, बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं, 8-10 महीने चुनाव के बचे हैं, इतने बीच में हमारे समाज को फैसला लेना है, अभी हमारा समाज चौराहे पे खड़ा है, कुछ समझ से बाहर है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, लेकिन मैंने अपने समाज को आह्वान किया है, मैं इतना कह रहा हूँ कि यदि कोई भी फैसला हमारा अभी नहीं होता है तो हम लोग को ये फैसला मान लेना चाहिए। लेकिन जय भगवान जी, एक सवाल खड़ा होता है ना, आप बोलते हैं आपने चंद्रशेखर को बनाया, ठीक है आपने चंद्रशेखर को बनाया, काशीराम जी की आपने मदद की, लेकिन वही बहन जी जो चंद्रशेखर को लगातार बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाती है, तो ये फिर किस तरीके से चंद्रशेखर क्या करे? देखिए चंद्रशेखर अब सड़क पे उतरा है, यदि मायावती ने अपने आप को ठीक नहीं किया, सड़क पे नहीं आई, सड़क पे आने के लिए तैयार है, मैं चंद्रशेखर को मायावती को दोनों को मिलाने के लिए तैयार हूँ, मैं इसको काम को करूँगा, मुझे भी दर्द है कि हमारा समाज के दो दो टुकड़े होते जा रहे हैं, तो मैं इनको दोनों को बैठा करके, चाहे जो हो मायावती को भी कितना कहना हो समझाना हो मैं करूँगा, चंद्रशेखर को भी जितना कहना समझाना करूँगा और इन दोनों को मिला दूंगा, पर इसमें शर्त यही है कि मायावती सड़क पर आए, निकले घर से, निकल करके अपनी ताकत दिखाए और समाज में घूमे, मुद्दे मेरे पास है, मैं सारे मुद्दे दूंगा और 2024 में मायावती को प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे जो आदमी कुछ भी कहते रहे, क्योंकि जो मायावती से लोगों को प्यार है वो किसी से नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, वो इतनी डर के चूही बन करके घर में बैठ गई है, उससे काम चलने वाला है, शेर यदि चूहा बढ़ जाए गिदड़ी बढ़ जाए तो वो हमारे लिए लानत की बात है। मैं ये कहता हूँ कि जिंदगी में बहुत कम जिंदगी होती है, बहुत कम समय होता है, इसका समय इसी समय का इस जिंदगी का जो समय बताया उसका सदुपयोग करें और समाज के लिए चाहे उसको जो भी नोछावर करना पड़े अगर, 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 अगर चंद्रशेखर और मायावती एक साथ एक स्टेज पे आ जाते हैं क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? सब लोग समाज की हमारी ताकत बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी और जो हम लोग ये अभी थर्ड मोर्चे की जो बात हो रही है कि दूसरा मोर्चा अलग बनेगा, अपोजिशन की संगठित होगा, उसको बहुत बड़ी ताकत मिलेगी और जो बीजेपी वाले जो मशीन से बदमाशी करते हैं, वोटर लिस्ट में बदमाशी करते हैं, काउंटिंग में बदमाशी करते हैं, मशीन यदि नहीं कुछ भी हो तो बदलने का काम करते हैं, अरे एक छोटी सी बात है, एक परीक्षा पात्र छोड़ा जाता है,
साला लाखों किलोमीटर ऊपर छत जा करके आसमान में उसको यहाँ कमरे से बैठे हुए ठीक कर लेते हैं, तो क्या ये एक मशीन के ऊपर अपने काबू नहीं चल सकता? उसमें तो मशीन में जो भरोगे वही निकल के आता है ना, तो मशीन में जो भरा जाता है वो निकल के आएगा। तो जो भी होती है लेके काउंटी से लेके सब कुछ होता है। आपने देखा नहीं बिहार में क्या हुआ? बिहार में रात के 2 बजे तक इलेक्शन करते रहे, 2 घंटे का काम होता है वोटिंग का, 3 घंटे में 4 घंटे में, जब 8 बजे शुरू हुई तो 12-1 बजे 2 बजे 4 बजे तक सारे रिजल्ट आउट हो जाते हुए, नहीं कर रहे क्योंकि सब हेरा फेरी में लगे थे, काउंटिंग में हेरा फेरी, आदमी में हेरा फेरी, जो हेरा फेरी जिस लेवल पर हो सकती है वहाँ करते, क्योंकि उनके पास RSS एक ऐसा संगठन है जो सरकार के लिए काम करता है, जो भाजपा के लिए काम करता है, RSS संगठन है, और वो संगठन अपनी ताकत के हिसाब से कहीं से भी हो पूरे क्षेत्र का, वो अपने अपने क्षेत्र में इतने ताकतवर हैं कि वोट पे अभी से ड्यूटी लग जाएगी कि पार्लियामेंट हाउस में कौन कौन आदमी वोट गिनवाने पे बैठेगा, कौन गेट पे बैठेगा, कौन वहाँ काउंटिंग एजेंट बनेगा, कौन वहाँ वोट डलवाएगा, सारे RSS के आदमी बैठेंगे। और ये जो मोर्चे और ये नीतीश और ये सब जो घूम रहे हैं, इन लोगों को पता नहीं क्या मूर्ख है क्या ये, इन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि ये किस किस लेवल पे कहाँ कहाँ बदमाशी होती है। जब सारी बदमाशियों को पता है, हमें पता है कि वोट बनाने में गड़बड़, वोट का जब फाइनल लिस्ट बनती है उसमें गड़बड़, जब वोट डालने जाओ तो ऐसे आदमी 25-30-40-50 आदमी ऐसे हर बूथ पे छोड़ देते हैं, जो वोट काट देते हैं आखिर पे, और काट करके लिस्ट लगा के कहते हैं लगी 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 हो गया काम। अब तो 50-1 बूथ पे गए तो आप लगा लीजिए एक MP के क्षेत्र में कितने बूथ होंगे, कितने वोट का ऊपर नीचे, इसी में हार जीत हो जाती है। आप तो बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर मशीन उनकी है, फिर वहाँ काउंटिंग के टाइम पे उनका हेरा फेरी है, क्यों वीडियो से क्यों नहीं वो देखते, वीडियो क्यों नहीं बनाई जाती उस समय जब काउंटिंग हो रही, मशीन सबके सामने रख के वीडियो बनाई जाए क्या वोट आ रहा क्या दिखा रहे, फिर इलेक्शन करते 1.5-1.5 महीने तक, 1.5-2 महीने तक, 2 महीने 1.5 महीने का, 2 दिन के इलेक्शन को कहाँ सालों साल चलाएंगे क्या ये, इनको इलेक्शन 1 दिन छोड़ के 1 दिन 3 दिन के अंदर पूरा इलेक्शन ख़त्म कर देना चाहिए और 4th दिन काउंटिंग शुरू हो जानी चाहिए। उसमें फीडिंग करते हैं वो जो उसमें जैसे घड़ी होती है, हमारी घड़ी में अलार्म लगा, हमारे घर पे ये घड़ी लगी हुई है, इसमें अलार्म लगा है, ये कल को यदि हमने इसमें 8 बजे का 8:30 बजे का अलार्म लगा तो ये 8:30 बजे बोलेगी टनाटन टनाटन। ऐसे मशीनों के अंदर क्या सेटिंग नहीं होती, वे जो वोट डाले हैं वो अगले 24 घंटे में सब रिवर्ट हो जाते हैं, जहाँ जिसको जाना है उधर वो सारे चल जाते हैं। गड़बड़ी हो गई, एक रास्ते थोड़े, ये एक्सपर्ट कमेटी बैठे वो सारा बताएगी, टेक्निकल कमेटी बैठे वो बताएगी, लेकिन हमको जो अंदाज़ा है जो हम समझते हैं कहाँ कहाँ गड़बड़ी है, तो कदम कदम पे गड़बड़ी है। तो इलेक्शन अब थोड़े ही हो रहे हैं, अब तो इलेक्शन मैनेज किया जाता है कितना, अब इन्होंने 300 सीटें आएंगी पिछले इलेक्शन में, कैसे पता था इनको 303 सीटें आई, क्योंकि ये तय करते हैं किस किस को हराना किस किस को जिताना, वहीं पर उनकी अपनी उस तरह ताकत लगती है, वो सारा सिस्टम तय होता है। और वो सिस्टम अभी तय हो रहा है, अभी तो चुनाव का 1 साल लगभग है, तो चुनाव का अभी तय हो गया है किसको कहाँ खड़ा करना है, किसको हराना है, किसको जीतना, तो ये तो मैनेज होता है। ये कितने अपोजिशन के कर ले, UP में क्या हुआ है, गांव में 4 आदमी वोट देने वाले नहीं थे और वोट सारी की सारी इनकी सब जीत गए। कैसे जीत गए सारे, गांव में ये 4 आदमी भी खड़े नहीं होते, जब पंचायत हुई सारे वीडियो आ रहे थे देख रहे थे, सबसे पूछे कोई आदमी नाम लेने के तैयार नहीं था और सारी वोट जीत गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसे सारे जीत गए, इनके जो भी जीते हैं, तो ये सब मैंने जितना भी इनके पास पढ़ा लिखा समाज है, जितना भी पढ़ा लिखा आदमी है, वो ऐसी कैलकुलेशन करता है, उनका यही काम है, वो RSS के दफ्तर बैठ के क्या करते हैं, वो यही कैलकुलेशन करते हैं, सबका सब सिस्टम बनाते हैं, कहाँ किसको हराना कहाँ किसको जिताना, वोट का कहाँ हेरा फेरी करना कहाँ रास्ते इनकी। अभी इन्होंने कभी कोई इंक्वायरी की, कभी कोई पता लगाया कि भाई ये वोट वहाँ क्या मशीन किसी की प्राइवेट गाड़ी में जा रही, कभी कोई कहीं लेके भाग गया, कभी कोई बदलता पकड़ा गया, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, तो क्या लग रहा है 2024 से पहले मायावती चंद्रशेखर जी को हम मिलवा पाएंगे? बिल्कुल मिलवाएंगे,
बिल्कुल बनाने के लिए तैयार हैं। मायावती को ये चिट्ठी रखी है, ये देख लो आप, ये भेजिए, यदि वो टाइप देगी मिलेगी तो मैं उसको तुरंत बात करूंगा इस बारे में। ये मायावती की चिट्ठी है, ये देख लो आप, यदि इसको दिखा सकते हो, ये मायावती की उसके नाम की चिट्ठी लगा करके उसको भेज रहा हूँ मिलने के लिए, कह रहा हूँ दो लाइन लिखी है, इसमें लिख दिया है भाई अब टाइम देगी मिलेगी तो बात करूँगा, या उनके जो शागिर्द है वो बता दें, उनको खबर दे ही देंगे कि भाई हाँ जय भगवान जाटव ने ये खबर दी है। ऐसा तो है नहीं जो मेरी बगल में सालों साल तक बैठती थी वो मेरे को जय भगवान जाटव को भूल जाएगी, मेरे उसके साथ क्या घरेलू संबंध थे हमारे, तो हमारे पारिवारिक संबंध थे तो उनको क्या है वो भूल जाएगी। तो हमारा तो बहुत कुछ, हमें तो बड़ा दुख हो रहा है, दर्द होता है जब मायावती घर में बैठी है, बाहर निकल भाई बाहर निकल मायावती, क्या तेरे में हो गया है, बाहर निकल, शेरनी होकर गिदड़ी बन के बैठ गई, लानत है ऐसी बात को यदि गिदड़ी बन के बैठेगी, शेरनी है शेरनी की तरह से बाहर होगा हर भर करके, हम लोग साथ हैं, धन्यवाद जय भी।